खबर वैशाली के गोरौल से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने गोरौल प्रखंड क्षेत्र में मतदाताओं से जनसंपर्क कर तेजस्वी यादव के सभा में आने का आह्वान किया। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में पहुंचने को लेकर कई गांवों में देर रात तक जनसंपर्क कर आने का निमंत्रण दिया गया। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में सुनामी लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार से जनता अब त्रस्त हो चुकी है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि भाई तेजस्वी यादव जी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। पुरानी सरकार से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, किसानों को उनके फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि यह पुरानी सरकार जो पलटू राम की सरकार है, जो 15 साल से अंधी और बहरी सोई सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेंगे और एक नई सरकार नई सोच के साथ। आज हम लोग जो जनसंपर्क कर रहे हैं, बिहार के जन जन के नेता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत भाई तेजस्वी यादव जी कल वैशाली के ऐतिहासिक धरती पर सोंधो ग्राउंड में आ रहे हैं। कल उनके आने के लिए, उनके कार्यक्रम के लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि कल लाखों की संख्या में आइए और तेजस्वी जी के कार्यक्रम का लाभ उठाइए। कितने बजे कार्यक्रम उनका? कार्यक्रम उनका कल 12 बजे से है और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 5 लाख के आसपास लोगों की संख्या उस कार्यक्रम में रहेगी। तेजस्वी जिंदा।